अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज मैं नई टिप के साथ हाजिर हूँ जॉन्स किचन से। आपको आज मैं टिप की सिर्फ ये वीडियो सिर्फ टिप की दिखा रही हूँ। वो टिप ये है, अच्छा आप लोग ब्लीच देखकर आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या करने जा रही है। ये ब्लीच जो है मैं सफाई के लिए आपको दिखा रही हूँ कि जो सिंक के ऊपर जो सीलिंग लगी होती है। अच्छा ये तो मेरी ख़राब नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। इसको तकरीबन 8 साल होते जा रहे हैं इसको लगे हुए। ये जो होती है यहाँ पे सिलिकॉन लगी होती है, तो इसको अगर ब्लीच के साथ ऐसे साफ़ करते रहेंगे तो 1-2 हफ्ते के बाद जब समझेंगे इसको साफ़ तो करते हैं ना वैसे भी, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद आपने इस ब्लीच का यहाँ पे जो टॉयलेट के लिए हर घर में मैसर होती है, हर घर में होती है, लेकिन शायद कुछ लोगों को इल्म नहीं होता कि ये टॉयलेट के बगैर कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई के लिए। क्योंकि मैंने कहीं घरों में देखा है ऐसे कि ब्लीच तो होती है टॉयलेट के साथ में होती है, वहाँ पे पड़ी होती है, लेकिन सिंक में सीलिंग जो है ख़राब हो चुकी होती है। तो इससे मालूम होता है कि नहीं इल्म होता कि इसके से सीलिंग जो है साफ़ की जाती है, कर सकते हैं। अगर और कोई चीज़ नहीं है ऐसी आपके पास में सर, तो ये महंगी भी नहीं होती ब्लीच जो है, ये ब्लीच ही है, महंगी भी नहीं होती। तो ये ग्लास देखकर ये मत समझना कि मैं पीने के लिए बता रही हूँ। आजकल मैं सुनने में आ रहा है पाकिस्तान में लोग खुदकुशियों करने के लिए ये ब्लीच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है, ना मर सकेंगे ना जी सकेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चूहों जैसी कौन सी तरीका है जुड़ने का मरने का, कि इससे ना कोई मरता है ना ही जीने के काबिल रहता है। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, तो इसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब तो इसका मसला हल हो चुका है क्योंकि ये तो चीज़ों को साफ़ करने के लिए है, हम लोगों को नहीं, हम लोगों को साफ़ करने के लिए कोरोना आ चुका है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको पीनी नहीं चाहिए। ये बहुत लोग खुदकुशियाँ करने के इसके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आप ना मर पाएंगे ना जी पाएंगे इससे, तो इसको नहीं, इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे खुदकुशी करना आराम है, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनकी कोई मजबूरी होगी या कोई ऐसी वजह हो ज़रूर होगी। कौन मरना चाहता है आसानी से, मरने का किसी को शौक नहीं होता, तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, तो ऐसे चीज़ों से बचा कर रखे सबको, मेरी यही दुआ है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ पे हफ्ते में 2 हफ्ते के बाद आपने किसी ब्रशी से या आप दांत साफ करने वाली ब्रशी जो फेंकना चाहते होते हैं ख़राब हो चुकी होती है उसको संभाल कर रखिएगा, तो उसको इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह किसी कंटेनर में, ये मैं सूप पाउडर वाला कप इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें डाली हुई है। आप किसी भी चीज़ में किसी, लेकिन ग्लव का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, हाथों पर लगने से ख़ारिश कुछ लोगों को हो जाती है या ऐसे भी हाथ खराब हो जाते हैं इससे, तो कपड़ों को भी बचाइएगा। तो इस तरह इस ब्रशी को लगाकर यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, ये कोई महंगी नहीं होती कि ज़्यादा आप इसको डाल देंगे, तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि इस बोतल को ही खोलकर इसको ऐसे लगा देती हूँ यहाँ पे। 10 मिनट के बाद आप सिर्फ यहाँ पे पानी डालेंगे, आपको कुछ रगड़ना वगड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ता, पानी डालेंगे ये साफ़ सुथरी हो जाएगी। ये ख़राब वैसे तो 1-2 साल के बाद ये काली होना शुरू हो जाती है, जैसे ब्लैक से इस पे मोल से आ जाती है, उल्ली से आ जाती है, तो ऐसे करने से ये बिल्कुल इसी तरह रहेगी। क्योंकि हम जो लोग चेंज भी तभी करते हैं जब हमारा सिंग या बात चेंज करवाते हैं हम, तो तभी तब तक तो वो ही रहती है फिर, तो इससे होता है कि ये साफ़ रहती है इसे ब्लीच का इस्तेमाल करने से। अगर ये ख़राब होती तो मैं आपको दिखा देती, लेकिन मैं इसको 1-2 हफ्ते के बाद इस्तेमाल करती रहती हूँ तो ये ठीक रहती है, ख़राब नहीं होती। तो चलिए दूसरी बात मैं आपको ये दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ है आपको दिखाऊंगी। अच्छा यहाँ पे ये जो टैलनों के ऊपर आ जाती है ग्राउट जो होता है ग्राउट के ऊपर आ जाती है, यहाँ पे भी अगर इस दांत साफ करने वाली पुरानी बुरशी से करेंगे तब भी, अगर ऐसा कोई दिखाई नहीं, ऐसी कोई या पेंट वाला कोई ब्रश है आपके पास जो पेंट करते हैं तो पुराना बाकी रह जाता है, उसको संभाल कर रखिएगा, तो उससे भी आप इस ब्लीच को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ से टैलें शावर की हों, बाथरूम की हों, जहाँ से भी हैं,
इसे भी लगा सकते हैं। और ये दांत साफ करने वाली जो ब्रशी है, जिससे आप दांत साफ करें उसकी नहीं मैं बात करी, जो फेंकना हम चाहते हैं खराब हो चुकी होती है उसको संभाल कर रखिएगा, उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऐसे आराम से लगाइएगा इसको, ऐसे ऐसे करेंगे तो शायद इसकी जो छींटे होते हैं आँख आपके आँखों में चले जाएं। इस तरह आपने नहीं करना, सिर्फ आपने ऐसे लगा देना। बाद में यहाँ मैं जहाँ लगा रही हूँ इसमें, ये तो अभी चला गया है इसकी जो है, क्योंकि ये 10 मिनट के बाद बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। इनको शावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस तरह सब टैलों को लगा दें, 10 मिनट के बाद आप पानी इस पे डाल दें, ये क्लीन हो जाएंगे, साफ सुथरी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जिस बाथरूम में मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पे पानी डाल सकती हूँ क्योंकि ये वेट है, नीचे इसके फर्श है, फर्श से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी चला जाएगा। तो अगर दूसरी बाथरूम आप जैसे कि नीचे कोई गत्ता वगैरह पानी नहीं आप फेंक सकते, खुला पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहाँ पे स्प्रे मारकर ऐसे टाके वगैरह से साफ कर सकते हैं किसी भी। तो अब वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो मैं यहाँ पे भी लगाकर दिखाती हूँ। इस तरह इसको लगा लीजिएगा जहाँ पे चलें इस ग्राउंड के ऊपर। अच्छा, जब सिंक में आप किचन में लगाएं, अगर लगाना चाहें वहाँ पे सिंक होता है उसके पास भी ऐसा ही होता है, वहाँ पे थोड़ा सा ग्रेज कीजिएगा कि वर्कटॉप पे ना जाए। अगर पत्थर का है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरा वर्कटॉप है उसका थोड़ा सा कलर जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि कलर उसका शाइनिंग थोड़ी सी फ़र्क पड़ जाता है। तो वहाँ पर कोई चीज़ रखिएगा, तो या फिर ऐसे इस दूसरी ब्रशी से लगाइएगा जो आगे से बदली हो, तो उसको ऐसे आराम से लगा सकते हैं। सिर्फ जहाँ पे मेरे किचन में तो दूसरा लगा हुआ है, वही ग्राउंड ही है सिर्फ, वो नहीं है, लेकिन किचन में भी सिलिकॉन लगा होता है तो वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन ये होता है कि अगर वर्कटॉप पे गया तो थोड़ी सी शाइनिंग में फ़र्क आ जाएगा ब्लीच से। तो इसको आपने रगड़ना उगड़ना नहीं, आप ऐसे इसको लगाकर छोड़ देंगे तो इसको बाद में साफ कर लेंगे, तो ये बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएंगी। ये जो टैले हैं इसमें कुछ नहीं रहेगा। मैं दूसरी तरफ लेकर जाती हूँ, ये स्पेशली मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था कि मैं टिप्पू डालूंगी, वीडियो डालूंगी, तो मैं इस पे लगाऊंगी, क्योंकि तो 2-3 हफ्ते के बाद ये ऐसा टैलों वगैरह में आ जाती है ये चीज, अगर इसको शावर में हो या बाथरूम में हो तो ये ख़राब होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे जहाँ पे ग्राउंड इसको होता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, वो ब्लीच महंगी भी नहीं है, ऐसे करके लगाइएगा वहाँ पे जहाँ जहाँ इसको इसका कलर चेंज हो चुका है। तो 10 मिनट के बाद मैं इसको आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसे, ये उसी वक्त साफ हो रही होती है जब इसको लगा रहे होते हैं। तो उसको मैं पानी डाल दूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे साफ हो जाती है। यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप, ये जो छोटी टैलें होती हैं यहाँ पे भी ये साफ हो जाती हैं इसको लगाने से, ऐसे करके। तो मेन मेरा पॉइंट ये था, शावर में ये इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, आपको थोड़ा सा टाइम लगाते हुए लगेगा वर्षी से यहाँ ग्राउंड पे लगाने के लिए, लेकिन ये साफ आसानी से हो जाती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेन मकसद यही था, सिर्फ जो सिलिकॉन होता है उसका सिंक पे बाथरूम बाथ के ऊपर जो होती है सीलिंग होती है सिलिकॉन लगा होता है, तो वो साफ करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको कुछ रगड़ने वगड़ने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ उस पे लगाकर छोड़ देना है, 10 मिनट के बाद पानी डालना आपने, तो वो साफ सुथरी हो जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें कि अब आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये जा रहा है सारा जो मैल वगैरह थी वो चली जाएगी। तो मैं थोड़ी देर के बाद साफ करके दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, अब जो है मैंने अभी पानी भी नहीं इसमें डाला, ये पहली जो मैंने लगाई थी यहाँ पे ये साफ हो चुकी है, दूसरी जो मैंने लगाई थी ये वहाँ पे थी, यहाँ पे मैंने लगाई थी, तो ये
साफ हो चुकी हैं। मैं इसमें पानी लोटे से डाल रही हूँ क्योंकि ये नीचे फर्श है, फर्श पे कुछ नहीं होता। वैसे आपने ताकि से किसी भी स्पंज से साफ कीजिएगा अगर आपका फर्श नहीं है। ये बेडरूम है इसलिए बाथरूम जो है बैठा है, नीचे फर्श है इसके। तो यहाँ पे मैंने दूसरी जगह पे यहाँ पे मैंने लगाई थी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे मैं आप सिर्फ मैंने कुछ इसको मैंने कुछ कुछ जोर नहीं लगाया, कुछ रगड़ा वगड़ा नहीं है, इसको ऐसे ही मैंने सिर्फ लगा कर छोड़ दिया, तो पानी डाला तो ये टाइलें साफ हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे जो भी मैं वीडियो डालूँगी आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आपको वो वीडियो जो आया देख सकेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो नई आई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी बहुत आपको ये टिप बहुत पसंद आई होगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि कैसी रही। तो दो में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम।